दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने 1 सितंबर की रात को ही आखिरी सांस ले ली थी और अगले दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन खबरों के मुताबिक ये न्यूज भी सामने आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बुधवार की रात को एक मेडिसिन खाई थी, जिसे खाकर ये सुबह उठे ही नहीं और कपूर हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि दवाई खाते ही इनकी डेथ हो गई थी। वैसे ये दवाई कौन सी थी, इसकी जानकारी अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम में लगे हुए हैं, जिसके बाद ही पता चलेगा कि सिद्धार्थ ने कौन सी मेडिसिन खाई थी। हालांकि सिद्धार्थ के दुनिया से जाने की न्यूज को सुनने के बाद पूरी टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड दहशत में आ गया है। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि बुधवार की रात को सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक फोन किया था, जो उनका लास्ट फोन कॉल बन गया है। जी हाँ, और वो फोन कॉल करण कुंद्रा के लिए था, जिसे आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। करण कुंद्रा टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं, जिसे सिद्धार्थ ने सबसे लास्ट कॉल की थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने मरने से पहले करण कुंद्रा को फोन क्यों किया था, क्या वो क्या कहना चाहते थे, इस बात की जानकारी अभी तक ऑफिशियल करण कुंद्रा ने भी नहीं दी है। लेकिन सबको करण कुंद्रा से यही उम्मीद है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला से आखिरी बातचीत को मीडिया में जरूर बताए कि सिद्धार्थ ने मरने से पहले उनसे क्या बातचीत की थी, किस टॉपिक पर बात की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे, करण कुंद्रा और सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रहे हैं, जो कई रियलिटी शो में काम करके लोगों के बीच में अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं। और सिद्धार्थ शुक्ला भी ठीक करण कुंद्रा के जैसे ही थे, तभी तो लास्ट कॉल सिद्धार्थ ने करण को ही किया था।